आज से 72 घंटे के बाद मिठाई बांटना शुरू कर दे ये 6 राशि के जातक। विधाता भी नहीं रोक सकता इस खुशी के पल को मनाने के लिए इन 6 राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 30 अक्टूबर की शाम को राहु और केतु करेंगे महाराशि परिवर्तन। 2.5 साल के बाद मेष राशि में है केतु और राहु तुला राशि में विराजमान है। इन राशियों को जाते जाते रंग से राजा बनाएंगे। दिवाली से मिलेगा इन्हें तगड़ा लाभ। दिवाली में खुशी का उत्सव मनाएंगे राशि के जातक। जीवन की तमाम परेशानियां खत्म होगी। पहली भाग्यशाली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि जाते जाते राहु जो है वो आपकी गोचर कुंडली के लाभ स्थान में होंगे। इस भाव में राहु का गोचर ज्योतिषी दृष्टि से बेहद ही शुभ माना जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके सप्तम पंचम और तीसरे भाव में होगी। यानी राहु के इस गोचर से वृषभ राशि के समस्त जातक और जातिकाओं के लंबे समय से जितनी भी परेशानियां थी वो तमाम तरह की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। योजना पर जिस पर काम कर रहे थे वो जो सपना अधूरा था वो पूरा होगा। अब फलीभूत होने का कागार आ चुका है आपके सारे ड्रीम। राहु के इस गोचर से आपके अनियंत्रित खर्चों पर लगाम लगेगी। स्वास्थ्य बेहतर होगा। घर में मांगलिक आयोजन होंगे। राहु के गोचर से शुभ कार्यों में शुरुआत हो जाएगी आपके जीवन में। दूसरी भाग्यशाली राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जिसे साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव, नवम भाव और लाभ स्थान पर होगी। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। वैदिक ज्योतिषी में राहु को शनि के समान ही फल देने वाला माना जाता है, इसलिए मकर राशि के जातकों का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अत्यधिक धन में वृद्धि होगी। मकर राशि के जीवन में अत्यधिक बदलाव देखने को मिलेगा। यात्राएं होंगी। इसके साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। एक अलग ही प्रकार का रस उत्पन्न होगा जीवन में। तकनीकी पूरी तरीके से आपके पक्ष में रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप बहुत अच्छा लाभ उठा पाएंगे। आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा, क्योंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह पापी ग्रह है जो हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं। 2.5 साल बाद 2025 तक आपके जीवन में इसी अवस्था में रहते हुए आपको लाभ के स्थान पर लाभवांतित करेंगे। तीसरी भाग्यशाली राशि तुला राशि। तुला राशि ने सबसे ज्यादा अगर परेशानियां झेली है तो वो तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके छठे भाव में होगा। मित्रों, शत्रु का भाव माना जाता है, यानी आपके तमाम शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जीवन की रुकावटें खत्म हो जाएंगी। ये दृष्टि आपके दशम, द्वादश और तृतीय भाव पर होगी। छठे भाव में राहु का गोचर व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है, सपनों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। चूंकि ग्रहों के मंत्रिमंडल में राहु खुद एक पापी ग्रह है, इसलिए शत्रु भाव में आकर राहु अपने प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। राहु का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो उनकी नौकरी को बदल देगा। काफी समय से आप अपनी अच्छी नौकरी की तलाश पूरी करेंगे, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और निराशा के अंधकार के बादल हमेशा के लिए छट जाएंगे। आपको बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा की डिस्टर्ब कर रहा था राहु, वो अब चंद्रमा को डिस्टर्ब करना हट जाएगा। आपके भाग्य को एक्टिवेट कर देगा राहु। मानसिक तनाव हो जाएगा, जीवन से खत्म मित्रों। इसके साथ ही कर्क राशि। इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर भाग्य के स्थान पर होगा। इस समय आपकी यात्रा के योग बनेंगे, आपको उनसे फायदा मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि का काम राहु महादेव करेंगे। इस समय व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा कराएगा राहु महाशय। आपके काफी समय से अटके काम अब पूरे होते दिखाई देंगे। अपनी पत्नी को अच्छा समय देंगे ताकि वैवाहिक जीवन में कष्ट नहीं रहे। इस समय आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जीवन की तमाम तरह की रुकावटें दूर हो जाएंगी, क्योंकि राहु केतु जब भी किसी ग्रह से महादशा से हटते हैं तो उस राशि को रंग से राजा बना देते हैं। मित्रों, ऐसा ही इन सभी राशियों के साथ होने वाला है। ये अनुभव आप खुद करेंगे। कर्क राशि, बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद आप तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। मित्रों, हर मामले में बेहद अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। जीवन में मजबूत संबंध बनने वाले हैं। अगली मैं बता दूं, कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहा है राहु केतु का महागोचर। देखिए, आपके जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। नौकरी में प्रमोशन के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा। अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होकर आपके मुरीद हो जाएंगे। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपकी आय में वृद्धि की संभावनाएं हैं। आपके ऑफिस में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। आपकी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अन्य स्रोत से भी आपकी आय की इनकम बढ़ेगी। कारोबार में आपको कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। परिवार का पूरा सहयोग इस अवधि में आपको मिलने वाला है। ये 2.5 वर्ष राहु के महागोचर से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएंगे, किंतु केतु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए केतु से आपको सदैव बचना चाहिए। ये मानसिक तनाव देने वाला माना जाता है। मित्रों, इसके साथ ही मीन राशि। राहु केतु के राशि परिवर्तन से मीन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने वाला है। आप कोई बड़ा निवेश करेंगे। इस राशि के लोगों को पैतृक संपत्ति मिलेगी। दादा परदादाओं की प्रॉपर्टी का तगड़ा लाभ मिलने वाला है।
राहु केतु के बुरे प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा, आपके पुराने किसी काम में सफलता मिलेगी, जीवन साथी का साथ संबंध मजबूत होंगे, जीवन में खुशी आएगी।